हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ वेद। आज आपको हम डेली रूटीन वाला एक्सरसाइज बताएंगे। आप अगर जॉब करते हैं या फिर कोई ऑफिस में रहते हैं, आपको डेली इस एक्सरसाइज को जो आज हम बताने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज को सिर्फ 5 से 10 मिनट देकर आपको करना है। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है, फुल बॉडी रूटीन का एक्सरसाइज है। आप इसे डेली कर सकते हैं। ये पूरे शरीर का जो है एक्सरसाइज हो जाएगा सिर्फ 5 से 10 मिनट। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हेड को रोल करना है, घुमाना है इस तरह से। फिर इसी की अपोजिट साइड भी घुमाना है। हम दो दो बार कर रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। आप इसको 10-10 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने हेड को डाउन और अप करना है इस तरह से। इस तरह दो दो बार। उसके बाद हेड को अपने कंधे से टच करना है इस तरह से। फिर अपने दाहिने हाथ से इसी तरह से हेड को काफी प्रेस करके जोर लगा के लगाना है कंधे से इस तरह से। आपको हर एक्सरसाइज 10-10 बार करना होगा। उसके बाद आपको अपने हाथ की इस तरह से एक मुट्ठी बांध लेना है। मुट्ठी बांधने के बाद आपको अपने मुट्ठी को इस तरह से रोल करना है, यानी घुमाना है 10-10 बार। मैं दो दो बार आपको करके बता रहा हूँ। फिर इसको अपोजिट साइड से उसको तुरंत घुमाना है इस तरह। और अपने पंजे को इस तरह से खोल लेना। खोलने के बाद दूसरे हाथ से इस पंजे को सहारा देकर अपने फेस की तरफ लाना है इस तरह। फिर इसको नीचे घुमाना है इस तरह से, जितना हाथ है सीधा करके नीचे ले। फिर इसी तरह से इसको भी फिर नीचे, दोनों हाथ इसी तरह से करना है। फिर दोनों हाथों को इस तरह से फैला के जैसे मैंने रोल किया उस तरह करना है। ये दोनों मुट्ठी को आपको रोल में घुमाना है। इस तरह से पहले एक हाथ को इसी तरह रखना होगा, दूसरे हाथ को इस तरह से रोल करना है। आने के बाद इस तरह से आपको सारे फिंगर को रोटेट करना है इस तरह से ऐसे। नजदीक से देख लीजिए इसे, सारे फिंगर को यहाँ से करना है। इस बार कंधे को एक बार पीछे ले जाना है इस तरह से। पीछे से उसके बाद आपको अपनी कमर को लचीला बनाने के लिए और इस मसल को एक्टिवेट करने के लिए आपको इस तरह से करना। उसके बाद अपने कमर को इस तरह से नीचे जाने के लिए जितना जा सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं।
उसके बाद फिर अपने पंजे को टच करें इसी तरह से। गाइज याद रखें, एक्सरसाइज का जितना स्टेप है आप उसे याद कर लें, दो चार बार वीडियो को पॉज करके देख लें। जब आपको सब याद हो जाएगा तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारे स्टेप देख देख कर एक बार दो बार तीन बार करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और सारे एक्सरसाइज के जो स्टेप हैं वो आप डेली करते रहें, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट जाएगा। याद रहे, आपको सारे स्टेप जब याद हो जाए तो हर स्टेप को 10-10 बार करना चाहिए, इससे आपको बढ़िया और बेटर रिजल्ट मिलेगी। गाइज बड़ी खुशी की बात यह है कि आपको ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने ही रूम में एक जगह खड़े होकर ये सारे एक्सरसाइज खड़े खड़े ही कर सकते हैं। हमने जितने स्टेप बताए हैं इसमें ना तो आपको लेटने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद अपनी दोनों पंजों को इस तरह से एक पकड़ लेना है और अपने इस पोर्शन को आगे की तरफ यानी पीछे की तरफ ले जाना, फिर पीछे से आगे की तरफ लाना है इस तरह। देखिए उसके बाद अपने चेहरे की जो मसल्स हैं इनको ब्लड सर्कुलेशन यानी इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने हाथों को इस तरह से एक दूसरे से रगड़ना है। रगड़ने के बाद इसमें जो गर्मी होगी उस चेहरे पे चेहरे को ठकना होगा। सबसे पहले अपने चेहरे को एक्टिवेट करने के लिए इस तरह से सारे मसल्स को इस तरह से जैसे मसाज होता है ऐसे कर लें, ऐसे टच में सारे ब्लड जो है एक्टिवेट हो जाते हैं इस तरह से। बस इतना डेली करना है और हर एक्सरसाइज को सिर्फ 10-10 बार करना है।